1 अप्रैल 2024 से यानी कि आज से बेरोजगार कर दिया। 100 लाठी हमको मारा है, मेरा पूरा पीठ जख्मी है। नीतीश कुमार के सामने जितना दम है लाठी में चलाओ, गोली चलाओ। गर्भवती महिला पे लाठी चार्ज हुई है। सम्राट चौधरी ये आदमी इतना घटिया आदमी है, ये बोलता था अतिथि शिक्षक को कब स्थायी करोगे। सम्राट चौधरी कहाँ गया? राज्य के लोगों के थाली में रोटी परोसे हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा बिहार मेरा परिवार। यूपी वाले उनको वोट दे करके यहाँ मुख्यमंत्री बनाए हैं, हम बिहारियों के वोट से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द समझ में नहीं आता है। बच्चे होने के बावजूद हम लोगों ने लाठियां तक खाई, देख रहे हैं इस तपती धूप में मैं बच्चे को लेके परेशान हो रही हूँ। अब हम लोग रोड पर आ गए हैं, भूखमरी के काका पर है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना में काम किया, इलेक्शन ड्यूटी में काम किया, बताइए हम लोग अब कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पर जाएंगे बताइए। सत्ता के नशा में जो है आज लाठी, हाँ लाठी भी मिली। सरकार हमें अनुमति दे कि आप आत्मदाह कीजिए, हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हमको लगता है बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार हो गया है फिलहाल। अभी राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर अब गाज गिर गई है। विभाग के द्वारा इन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। 31 मार्च को एक लेटर जारी किया गया और इस लेटर के जरिए इन लोगों को एक आदेश दिया गया कि अब आप लोगों का जो कार्यकाल है उसे समाप्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ इन्होंने अब प्रदर्शन करना शुरू किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का भी घेराव करने पहुंचे थे, जहां अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई है। लाठीचार्ज के बाद अब ये शिक्षक जो है बीजेपी कार्यालय के समक्ष पहुँच कर सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुँचे हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो अतिथि शिक्षक यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। कि हम 4257 गेस्ट टीचर को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 1 अप्रैल 2024 से यानी कि आज से बेरोजगार कर दिया। हम यही कहने गए थे कि हमारे सीट पर कोई आएगा तब ना आप हमको हटाइएगा। सर हमारे सीट पर नहीं आया, ये आप ही ने इसी उद्देश्य से बहाली की इनके सीट पर आएगा, नहीं आया तो आप कैसे हटा दिए, कैसे हमारी सेवा समाप्त हो गई। इसी मांग को मांगने का 100 लाठी हमको मारा है, मेरा पूरा पीठ जख्मी है, मेरा पैर टूट गया है, मैं कैसे भी अभी चल रहा हूँ, जिंदा लाश बना दिया है हमको, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमने 6 साल 9, 10, 11, 12 6 पीरियड लिया है, 9 से 5 ड्यूटी किया है, वही 1000 में, जो छुट्टी में हमको 1 पैसा नहीं मिलता है। सरकार का पैसा हमने बचाया और वही सरकार हमें बेरोजगार कर रही है, हम कहाँ जाएंगे। आज नीतीश कुमार को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को कह के लेटर को निरस्त करना होगा, नहीं तो हम यहाँ आत्मदाह करेंगे। नीतीश कुमार के सामने जितना दम है लाठी में चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन हटेंगे नहीं। ये मैं सुनील कुमार झा का वादा। हमारी संख्या 4257 है, 4257 गेस्ट टीचर पूरे बिहार में प्लस टू में, उनको धीरे धीरे करके कुछ को ट्री वन में हटा दिया गया, बीपीएससी वाले आए, कुछ को ट्री टू में हटा दिया गया, बाद बाकी को बिना कोई लेटर के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव कोई नहीं आया, फिर भी हटा दिया गया। महिलाओं पे गर्भवती महिला पे लाठी चार्ज हुई है, गर्भवती महिला पे जेंट्स पुलिस ने मारा है और उसको हम बचाने गए महिला को तो हमको मारा। 100 लाठी का था, नेता बनता है तुम हैं जी सर। अब हम यहाँ से नहीं जा, हम फिर जाएंगे। नीतीश कुमार के लाठी में कितना दम है ये हम देखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ये आदमी इतना घटिया आदमी है, ये बोलता था कि अतिथि शिक्षक को कब स्थायी करोगे। सम्राट चौधरी कहाँ गया? आज जिंदा है, आज सुख भोग कर रहा है, उससे हम मिलने आए तो कहता है देखेंगे। कब देखिएगा, नौकरी चला गया, अब क्या देखिएगा आप हैं। यही मोदी सरकार, आप कहते हैं वहाँ बैनर लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये झूठ बोलता है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, पूरा प्रचार गलत कर रहा है, बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। सर छोटे बच्चे को लेके आई हूँ, क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चे के दूध का सवाल है सर, इस छोटे बच्चे के दूध का सवाल है। आज इसके मुंह से दूध का बोतल छीन लिया गया है, ये जो सब्र का जो बहा मतलब इम्तिहान दिया जा रहा है। 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं बिना किसी चीज़ का एक डिमांड किए हुए, आज तक 6 साल में हम लोगों ने किसी चीज़ का डिमांड नहीं किया। एक महिला को एक SL तक हम लोगों को कभी आज तक नहीं मिला, उसके बाद भी हम लोग शांतिपूर्वक, कभी आज तक आप लोगों ने कभी सुना होगा कि इस अतिथि शिक्षकों का कोई प्रदर्शन हुआ? हम लोगों ने आज तक कोई मांग नहीं किया,
हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, लेकिन इतने पे भी उनका मन नहीं भरा। आज उन लोगों में सब्र का इम्तहान देख रहे थे। आज हम लोगों को सीधे सेवा से मुक्त कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? दूसरों के थाली से रोटी, दूसरे राज्य के लोगों के थाली में रोटी परोसे हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार, मेरा बिहार, मेरा परिवार। हाँ, यही उनका परिवार है क्या? बिहारी यूपी वाले उनको वोट दे करके यहाँ मुख्यमंत्री बनाए हैं? हाँ, यूपी वाले आके उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं? यूपी वाले वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाए हैं? हम बिहारियों के वोट से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द समझ में नहीं आता है। अब पूरे भारत के लोगों के थाली पर रोटी परोस दिया है उन्होंने, लेकिन अब बिहारियों के थाली से रोटी छीन लिया है उन्होंने। लाठियां भी चली है, हम लोग लाठी तक खाए हैं। महिला के होने के बाद, बच्चे होने के बावजूद हम लोगों ने लाठियां तक खाई। अब देख रहे हैं इस तपती धूप में मैं बच्चे को लेकर परेशान हो रही हूँ, लेकिन आगे करूंगी, अपने लेटर को निरस्त करा के जाऊंगी यहाँ से। जब तक नहीं होगा तब तक निकलूंगी नहीं, हटूंगी नहीं यहाँ से। बस हम लोगों की आवाज़ को, आप लोगों को भी चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय तक आप लोग भी सवाल करें कि हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम लोग क्या शिक्षक नहीं है? हम लोगों ने रिजल्ट को इतना बेहतर बनाया, लेकिन उसकी कोई ये नहीं है। कभी भी अतिथि शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज जो है सब चीज को हम लोगों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत से प्लस टू विद्यालय में कार्य करते हैं, आज हमारी सेवा को समाप्त कर दी गई है 30 मार्च 2024 को। अब हम लोग रोड पर आ गए हैं, भूखमरी के काका पर है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 साल से सेवा दे रहे हैं विद्यालय में, 6 साल के बाद विद्यालय से निकाल दिया गया। अब हमारे हम लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं। हमने 6 साल से काम किया, कोरोना में काम किया, इलेक्शन ड्यूटी में काम किया। बताइए हम लोग अब कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पर जाएंगे? बताइए आप लोगों ने धरना भी दिया था, सरकार से बात भी हुई थी, आप लोगों की क्या आश्वासन हुआ था? कोई आश्वासन, झूठा आश्वासन मिला। उस बात कोई अचानक लेटर निकाल दिया गया कि आपका सेवा समाप्त कर दी गई, केवल इतना दिन से हम लोग को आश्वासन मिलता रहा। सर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग 2018 में बिहार के गजट के थ्रू हम लोग को बहाली हुई है। उस समय से हम लोग लगातार 6 वर्षों से स्कूल में हैं सर। उस समय प्लस टू में ताला नहीं खुलता था जिस विद्यालय में, वहां जाकर हम लोगों ने ताला खुलाने का काम किया। और रिजल्ट जो है, जिस समय हम लोग को बहाली हुई थी उसके पहले इंटर का रिजल्ट जो है बिहार में उसका रेशियो रहता था 50 के अंदर में ही। जब से हम लोग को बहाली हुई है तब से इसका रिजल्ट जो है 90 प्लस हुआ है। यानी हम लोग जी जान लगा करके मेहनत किए, शिक्षा को बेहतर दिए। मुख्य भूमिका रही आपकी? जी, मुख्य भूमिका रहा है। अब सरकार हम लोग को पढ़ाने के लिए बहाल किया था, लेकिन हम लोग से गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाया, इलेक्शन में ड्यूटी करवाया, कोरोना काल में भी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी किए हैं। बहुत से जवान इसमें जो है कि बेचारे मर भी गए हैं। इसके बाद हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी किए हैं, मूल्यांकन कार्य किए हैं। समायोजन की मांग कर रहे थे? जी, हम लोग समायोजन की मांग कर रहे थे कि हम लोग को भी 60 साल नियमित कर दिया जाए और या फिर एक अलग कैडर बना करके हम लोग को बहाली करके रखा जाए। कुछ नहीं मिला, केवल झूठा जुमलेबाजी आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला। इसको तो नशा में, सत्ता के नशा में जो है आज लाठी भी मिली। इसमें महिलाओं को भी पीटा गया, 2 माह का बच्चा था उसके साथ में एक महिला का इतना बेरहमी से पिटाई किया गया कि अगर कैमरा वहां पर लगा हुआ उसमें देख सकते हैं। यही सुसा क्या करेंगे, गुहार लगा रहे हैं, क्या करेंगे, जान देंगे, मरेंगे और कैसे, भी तो मर ही रहे हैं। क्या कीजिएगा सर? सर आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे? सामूहिक आत्मदाह करेंगे हम लोग। अगर सरकार कुछ नहीं करती है हमारे पक्ष में तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सरकार हमें अनुमति दे कि आप आत्मदाह कीजिए, हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। मान प्रतिष्ठा से भर के कुछ नहीं होता है। 6 सालों तक हम लोग लगातार काम किए हैं स्कूल में और अचानक मतलब सरकार कह रही है कि आप हट जाइए, ये कोई बात हुई? जब 2020 में जब सब नियोजित शिक्षक लोग हड़ताल पे थे तो मूल्यांकन का कार्य हम लोगों ने किया और मेडल लिए डायरेक्टर साहब आनंद किशोर जी ने बिहार बोर्ड के। धरना भी दिया था सरकार? जी, हम लोग बात भी हुई थी। जी सब लोग आश्वासन ही दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य हो नहीं पाया है। हम अभी फिलहाल हम लोग अभी यही मांग करते हैं कि जो ये 30 तारीख को जो लेटर निकला हुआ है इसको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए और हम लोग को अपने मूल विद्यालय में फिर से योगदान कराया जाए। क्या लगता है सर, सरकार एक और कहती है कि रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं? सब हम अभी तो बिल्कुल झूठा ही लग रहा है। हम लोग तो दिख रहे हैं, बिल्कुल झूठा लग रहा है, सामने दिख रहे हैं सरकार के वादा है, वादा सब वोट लेने के लिए। अभी बेरोजगार मतलब नीतीश सरकार का पूरा प्रचार घूम रहा है, लेकिन हमको लगता है बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार हो गया है फिलहाल अभी।
जैसे हम लोगों को इस बार अभी नौकरी छीना जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है ना, तो कहाँ नीतीश कुमार मतलब नौकरी दे रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो अतिथि शिक्षक बीजेपी कार्यालय के समक्ष आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार जो है पहले तो वार्ता की थी और वार्ता के बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों का समायोजन किया जाएगा, लेकिन समायोजन के बदले आज उन्हें लाठियां मिली है। ऐसे में अब जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इनका साफ कहना है कि अगर सरकार कन्हैया प्रसाद के द्वारा निकाले गए लेटर को अविलंब वापस निरस्त नहीं करती है तब अब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे में जो शिक्षक हैं सामूहिक रूप से आत्मदाह की भी चेतावनी दे रहे हैं। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।